आज मेरे बच्चे का एग्जाम है। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे। हेलो हाय प्रणाम, पहला ग्राम राम जॉब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। सूर्य भगवान, सूर्य उदय हो रहा है, कितना सुंदर सा हो रहा है, ब्यूटीफुल। जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। ये है मेरे किचन की विंडो से व्यू, जो कि मुझे, और ये हमने आपको, मैंने पहले दिखा रखा है, ये हमारा एक किचन बना हुआ है, छोटा सा चूल्हा बनाया है मिट्टी वाला। तो मेरा पूजा पाठ हो गई और अब मैं आज बना रही हूँ चाय। आज घर वालों को शॉक कर देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी मॉर्निंग की चाय मैं नहीं बनाती, हमेशा दानी बनाते हैं। तो आज मैं दानी को चाय बना करके शॉक कर देती हूँ। जब मैं चाय लेकर के जाऊँगी तो वो सरप्राइज हो जाएंगे, अरे वाह आज कैसे चाय बना दी। सारा काम मैं करती हूँ लेकिन चाय मैं नहीं बनाती हूँ, सुबह वाली वो दानी ही बनाती है। और आज है डेट 27 मंडे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ करके नहाना धोना पूजा पाठ कर लिया। आज बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट है, यानी कि 10th के जो बोर्ड्स हैं वो स्टार्ट है। और आज एक कुनार का बोर्ड, मेरा बेटा कब बोर्ड लैक हो गया पता ही नहीं चला, देखते देखते तो दिल में थोड़ी सी धक धक हो रही थी। बीइंग अ पेरेंट्स होती है, शायद सभी को होती होगी, तो मुझे भी हो रही थी। हालांकि मेरे को जुकाम थी तो मैंने सोचा ला, मैंने दानी को बोला यार जाना मैं नहा लेती हूँ और थोड़ा मैं भी भगवान जी को खुश कर देती हूँ, थोड़ा सा कुनार भी कर लेगा। बच्चे ने कितनी मेहनत की है वो तो चलिए हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा आशीर्वाद होना चाहिए भगवान का। तो मैं चाय बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, तो आप लोग जुड़े रहें मेरे ब्लॉग के साथ। और हाँ, अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। कब करेंगे आप, तो करना चाहिए ना। तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो मैं लेके जा रही हूँ चाय। बुलाओ दानी को आवाज दो। तो मैं लेके आ गई हूँ चाय। चाय के इंतजार में माता जी यहाँ बैठी हैं और हम पीते हैं चाय। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपकी तबीयत ठीक है? तो मेरा आया नंबर, उसके बाद मेरी सास का आ गया था और अब शायद दानी का नंबर ना, क्योंकि दानी भी बोल रहे मेरे बदन दर्द हो रहा है। तो ये अब एक फैमिली में एक को होगा तो फिर दूसरे को ऐसे ऐसे करके हो जाए। हालांकि अभी मैंने थोड़ा सा, हाँ हाँ चाय पियो जाना जाना, चाय पियो। पीछे मेरे घर के एकदम ठीक सामने फ्रेन गार्डन में एक नया दानी ने बनाया है, ये एक टावर है। तो तब तक मैं पीती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपसे। मेरी चाय ठंडी हो रही है। तो मैं कोनार के लिए लेके आती हूँ ट्रांसपेरेंट पेंसिल पाउच, क्योंकि आज उसका एग्जाम है, कल उसे मिला नहीं। मैं अभी कर रही हूँ कोनार की यूनिफॉर्म प्रेस आयरन, अभी उसने जाना है। वो थोड़ा सा अभी म्यूजिक लगा करके थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर रहा है। आज भाई रात भर उसने पढ़ाई करी है, बोल रहा था मम्मी कॉफ़ी रखना, कॉफ़ी पीने के मन कर रहा था। अरे मैंने कहा कॉफ़ी पाउडर था, तू मुझे जगाता मैं देती। बोला हम कौन जगाता आपको, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज सॉरी कोना कल दे दूँगी। यूजुअली तो मैं उसके बूट पॉलिश नहीं करती हूँ, खुद ही करेगा वो, तो क्योंकि खुद करेगा तभी तो वो सीखेगा।
लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है तो मैंने सोचा उसके यूनिफॉर्म सब चीज़ आई कार्ड सब कुछ तैयार करके मैं रख देती हूँ, तो मैं उसके बूट पॉलिश कर देती हूँ फटाफट। तो ये आज मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है तो मैंने उसका ये आई कार्ड रख दिया, सॉक्स, यूनिफॉर्म, तो ये सब तैयारी हो चुकी है गुना का। ये है उसका एडमिट कार्ड, ये है आई कार्ड, पेंसिल बॉक्स, सॉक्स, कपड़े, शूज़, और ये मैंने दानी के लिए ओट्स बना दिया है। तो बहुत सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हाथ पांव लगाने पड़ते हैं अपने आप, मतलब बड़ा मल्टीटास्किंग और इधर भी कर उधर भी कर ये सारा करना पड़ता है। तो ये सब कर दिया है मैंने, उसके बाद अब सिर्फ माँ जी की मतलब मेरी माता जी का नाश्ता रह जाता है। और तब तक मैं कुनार को लेके जाती हूँ मंदिर, यहीं हमारे पड़ोस में मंदिर है दुर्गा मंदिर, वहीं पर शिवलिंग है, वहीं पे जल चढ़ा के आएगा, आज सोमवार भी है तो फिर जाती हूँ। जाना छोड़ दो तो उसको। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चे, टेंशन बिल्कुल मत लो। ऑल द बेस्ट कुनार, गुड लक। तो कुनार गया है आज, उसका बोर्ड है 10th का तो वो एग्जाम देने गया है। उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था लेकिन उसने नहीं खाया, ठीक है, मैंने भी फोर्स नहीं किया क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देने जाते थे तो हम भी नहीं खाते थे, हमसे खाया नहीं जाता था। लेकिन मैंने जो मम्मी मेरी करती थी ना, दही चीनी खिला के भेजा। मेरी मम्मी हमेशा जब भी एग्ज़ाम्स होता था, एग्ज़ाम्स होते थे तो हमेशा मम्मी क्या करती थी, एक चम्मच दही चीनी खिलाती थी। तो वही मैंने किया क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा था, तो मैंने दही चीनी खिलाया क्योंकि बोलते हैं दही चीनी खिलाना शुभ होता है। तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कोणार्क अच्छे से करे, उसको मैंने समझाया है जो आपको क्वेश्चन पहले आएंगे वो आप करना, जो आपको नहीं आएंगे वो आपको बाद में करना। और आई होप, और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स दे सारे के सारे। आज उसका इंग्लिश का है 10th का, 10th वालों का आज फर्स्ट है और वो भी इंग्लिश का। तो फिर अब जो उसने ब्रेकफास्ट नहीं खाया तो मैं खा लेती हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी मेरी माता जी के लिए नाश्ता, क्योंकि ओट्स फिर ठंडा हो जाएगा और ओट्स दोबारा मैं गर्म नहीं कर सकती। सो पहले मैं खाऊँगी, आज पहले मैं खा लेती हूँ, कोई बात नहीं है, नो इश्यू, सब ने खा लिया तो मैं खाती हूँ ओट्स। इसमें पड़ा हुआ है एज यूजुअल किशमिश, बादाम, हनी, फ्रूट नहीं पड़ा, मैं अपने लिए तो डालती हूँ, फ्रूट नहीं पड़ा। तो जब मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके बाद अभी मैंने छत में डालना है, मतलब अपने रूफ टॉप गार्डन में डालना है पानी, और पीछे जो किचन की तरफ जहाँ पे चूल्हा बनाया है हमने मिट्टी का, वहाँ पे प्याज लगाया है तो वहाँ पे भी पानी डालना है क्योंकि प्याज में पानी होना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद आज टाइम मिलेगा तो मैं कुछ बीज लेकर के आऊंगी जिसकी सीडलिंग करनी है। तो आप लोग बने रहे हैं ब्लॉग के साथ। तो सुबह क्लास से मैं घर आ गई और थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, प्यास लग रही है, उसके बाद घर थोड़ा सा ठीक करती हूँ, सेटिंग मतलब कपड़े वपड़े सारे फैले हुए हैं वो सब ठीक करती हूँ, देख रहे हैं आज कुछ नहीं हुआ, आज सारा ऐसे ही घर। तो वो ठीक कर दियो, उसके बाद कुछ कुनार का आ जाएगा, खाना बनाते हैं कुछ उसके लिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं। कैसा हुआ बच्चे? अरे यार ऐसा मत बोलो। कुनाक बाबू घर आ चुके हैं, बोल रहे हैं पेपर अच्छा हुआ, अब रिजल्ट बताएगा और अच्छा हुआ होगा, बच्चे ने मेहनत करी है तो जरूर अच्छा हुआ होगा।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जितने भी बच्चे आज एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहती हूँ कि आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें, अपना पेपर दें। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, लव यू ऑल।